तो अब इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी सर्टेन क्रिस्टल में, लैटिस में, एक गिवेन एटम जितने इक्विडिस्टेंट एटम से सराउंडेड रहते हैं, जिनकी संख्या जितनी रहती है उतने नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे एज्यूम कीजिए कि यहाँ हम कोई एटम यहाँ रख दिए हवा में, यहाँ हमने कोई एटम रख दिया, यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस, मान लीजिए जितना डिस्टेंस 1 मीटर लेफ्ट रख दिए एक एटम और 1 मीटर राइट रख दिए दूसरा एटम, सेम एटम, 1 मीटर लेफ्ट 1 मीटर राइट, 1 मीटर अप 1 मीटर डाउन, 1 मीटर आगे 1 मीटर पीछे, समझिएगा यहाँ बीच में एक एटम है और 1 मीटर के 6 इक्वल एटम से अगर ये अटैच्ड है, 1 मीटर लेफ्ट 1 मीटर राइट, 1 मीटर आगे 1 मीटर पीछे, 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे, कितने एटम हुए, कितने चीज हुए, 6 हुए। तो 6 इक्वल डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस के एटमों से घिरा हुआ हो पार्टिकुलर एटम, एक दिया हुआ एटम, तो उसी नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट एटम्स इन ए क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में इक्विडिस्टेंट एटमों के नंबर विच सराउंड ए गिवन एटम एज इट्स नियरेस्ट नेबर, जो गिवन एटम को अपने नियरेस्ट नेबर के रूप में सराउंड करता है, उसी को नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मोनोएटॉमिक क्रिस्टल में, जैसे सोडियम का क्रिस्टल, कैल्शियम का क्रिस्टल, कॉपर का क्रिस्टल, आयरन का क्रिस्टल, मोनोएटॉमिक क्रिस्टल में जनरली SCC का केस जब देखेंगे तो उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। जैसे मान लीजिए SCC में एटम कहाँ होते हैं बाबू, कहाँ होते हैं, हर एक कॉर्नर पर होते हैं, हर एक कॉर्नर पर। तो मान लीजिए इस कॉर्नर पर एक एटम है, ये पार्टिकुलर एटम है, यही आपको गिवेन एटम है, पार्टिकुलर एटम, लर गिवेन एटम। अब ये अपने से बराबर दूरी के कितने एटमों से अटैच्ड है, इसी का नंबर काउंट कर देना है, इसका नंबर काउंट कर देना है कि ये अपने से बराबर डिस्टेंस के कितने एटमों से घिरा हुआ है। तो ये अपने से a डिस्टेंस पीछे, यहाँ भी तो एक एटम होगा, और इसके आगे आगे भी तो एक यहाँ एटम होगा ना, एक यूनिट से लागे भी होगी ना, एक यूनिट से लागे होगी, तो एक a डिस्टेंस पर पीछे, एक a डिस्टेंस पर आगे, ठीक, एक a डिस्टेंस पर लेफ्ट, एक ए डिस्टेंस पर राइट, ठीक, एक ए डिस्टेंस पर नीचे और एक ए डिस्टेंस पर ऊपर। तो बताइए इससे ए डिस्टेंस पर कितने एटम हुए, ए डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर कितने एटम हुए भाई, ए यानी एज लेंथ, ये मतलब एज लेंथ, तो इक्वल डिस्टेंस के कितने एटमों से, तो एक पीछे एक आगे, एक पीछे एक आगे दो, एक लेफ्ट एक राइट दो, एक ऊपर एक नीचे दो, तो इस तरह टोटल कितने हुए 6। तो ये 6 इक्विडिस्टेंट एटमों से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, इसलिए इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा।
जेनरली NaCl भी देख रॉक सॉल्ट NaCl भी ऐसा देखने में मिलता है, यहाँ पर Na प्लस होगा तो यहाँ Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस, पीछे Cl माइनस, आगे Cl माइनस, ऊपर Cl माइनस, नीचे Cl माइनस, इस तरह Cl माइनसों का नंबर होगा, चारों तरफ Cl माइनसों का नंबर इस तरह से अरेंज होगा। तो ये केस है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसीलिए 6 होगा। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि ये यूनिट सेल है SCC, तो SCC का मतलब ऐसा ऐसा और भी होगा बगल में, एक देखिएगा, एक यूनिट सेल हो गया ये SCC का, फिर एक SCC इसके बगल में होगा, ठीक है, इसके बगल में एक SCC और होगा, ठीक है। हो गया, ऐसे होगा, ऐसे समझना है, और इसके ऊपर भी एक होगा, इसके ऊपर भी एक होगा, तो ऊपर कैसे होगा देखिए, ऐसे गया, ऐसे गया, देखिए एक ऊपर भी यूनिट सेल हो गई वैसी ही, एक बगल में हो गई, एक ऊपर हो गई, इसी तरह से ए डिस्टेंस पर देखिए एटम आ गए, ठीक, इसी तरह से एक आगे भी होगा, इसी तरह से एक क्या होगा आगे भी होगा, इस तरह से आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और ये सट गया, इसमें भी देखिए ए डिस्टेंस पर सब है एटम। तो इस तरह इस यूनिट सेल से सभी तरफ यूनिट सेल इसी तरह होंगी, एक लेफ्ट होगी, राइट होगी, और यही अब तो आपको और क्लियर हो गया कि भैया देखिए ए डिस्टेंस पर लेफ्ट में एक एटम है यूनिट सेल में, ए डिस्टेंस पर राइट में एक एटम है, ए डिस्टेंस पर ऊपर एक एटम है, ए डिस्टेंस पर नीचे एक एटम है, ये आपका रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, पार्टिकुलर गिवन एटम जिसको कहा जा रहा है, रेफरेंस भी कह सकते हैं, रेफरेंस, इसके रेफरेंस में आप देख रहे हैं, ठीक, तो एक लेफ्ट एक राइट, ए डिस्टेंस पर ऊपर, ए डिस्टेंस पर नीचे, ए डिस्टेंस पर पीछे, ए डिस्टेंस पर आगे। तो आप देखें इस तरह 6 एक एटम 6 इक्विडिस्टेंट एटम से अटैच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ए, ठीक है। तो SCC में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब आप देखेंगे BCC में कि कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर BCC में कितना होगा। अब देखिए BCC में हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ये देख लेते हैं। तो BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर, BCC में एटम आप जानते हैं कहाँ होता है भाई, बॉडी में एक एटम होता है और सभी कॉर्नर पे एटम होते हैं, तो बॉडी वाला एटम सभी कॉर्नर वाले एटमों से इक्विडिस्टेंस पे रहता है, इस बॉडी से इस कॉर्नर का डिस्टेंस तो एकदम फिक्स है, और इतने डिस्टेंस पे बहुत सारे एटम रहते हैं, इसका डिस्टेंस होगा a√3, बॉडी डायगोनल a√3, देखिएगा ये बॉडी में एटम है, बॉडी से कॉर्नर वाले का डिस्टेंस a√3 जो बॉडी डायगोनल हो गया उसका हाफ, उसका हाफ, और इतने डिस्टेंस पर कितने एटम हैं आपके, तो इतने डिस्टेंस पर 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर इतने ही डिस्टेंस पर हैं, तो इतने ही डिस्टेंस पे 8 कॉर्नर हैं, तो 8 एटम जो हैं ये BCC के नियरेस्ट एटम होंगे, और यही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और P
बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होता है, और इस तरह बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ, और सीजियम क्लोराइड इसी तरह से क्रिस्टलाइज करता है। सीजियम क्लोराइड जो है इसी तरह से बीसीसी टाइप से क्रिस्टलाइज करता है, जिसमें सीजियम सेंटर पे रहता है। सीजियम कहाँ रहता है बाबू? सेंटर पर। और जो है ये कॉर्नर पे कौन रहता है? क्लोरीन, 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 क्लोरीन। तो एक सीजियम प्लस बीच में और 8 क्लोरीन माइनस 8 कॉर्नर्स पे रहते हैं। इस तरह से इसका जो है क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 बता रहे हैं, मतलब कि एक सीजियम 8 क्लोरीन से इक्विडिस्टेंस से अटैच्ड होगा, और एक क्लोरीन 8 सीजियम प्लस से भी अटैच्ड होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, आपको पता है एक क्लोरीन 8, क्योंकि देखिए ये क्लोरीन, ये कॉर्नर पे क्लोरीन है, हर क्लोरीन का यही कॉन्सेप्ट होगा, एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्लोरीन अरेंज्ड हैं। ये क्लोरीन माइनस यहाँ पे है, अब इस क्लोरीन माइनस से इस बॉडी में एक सीजियम है, ऊपर वाले जो क्यूब होगा अभी अभी आपको बना के दिखाए तो ऊपर भी एक ऐसा ही क्यूब होगा, उसके भी बॉडी में सीजियम होगा, उससे भी क्लोरीन उतना ही डिस्टेंस पर है, ऊपर के बगल वाले रूम में एक जो है होगा सीजियम सेंटर पर, उससे भी एक क्लोरीन उतना ही डिस्टेंस पर है, बगल वाले रूम के सेंटर पर एक सीजियम होगा, उससे भी क्लोरीन माइनस उतना ही डिस्टेंस पर है ना। अब देखिए ये क्लोरीन माइनस यहाँ से आगे आगे जो है, आगे इसके आगे जो है एक यूनिट सेल होगी, उससे क्लोरीन सीजियम सेंटर पे होगा, सीजियम कहाँ होगा? सेंटर पे बॉडी में, उससे इक्वल डिस्टेंस। आगे के बगल वाला यहाँ पर जो एटम होगा, जो यूनिट सेल होगी, इसके बॉडी से क्लोरीन का वही हाल होगा, इस आगे के ऊपर वाले जो यूनिट सेल होगी उसके बॉडी से, और इस बगल वाले के ऊपर जो होगी उससे, इस तरह से कितने आ गए? 8 आ गए, 8 सीजियम, एक क्लोरीन 8 सीजियम से, और एक सीजियम 8 क्लोरीन से, दैट इज नोन एज 8:8। क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला है, एक सीजियम 8 क्लोरीन से और एक क्लोरीन 8 सीजियम से अटैच्ड है, इसीलिए CS8Cl8 इसका फॉर्मूला है। और इसका फाइनल फार्मूला, अब 8 चूँकि दोनों में है तो 8 को कैंसिल कर देंगे, तो इसका फाइनल फार्मूला CS और Cl हो जाता है। इसका फाइनल फार्मूला क्या हो गया? CS Cl। इसी तरह फार्मूला भी निकलता है, अगर मान लीजिए एक CS अगर 8 से सटा रहता, 1:2:8 का रेशियो रहता तो फार्मूला अलग होता, अगर यहाँ 4:8 रहता, मान लीजिए CS4 और Cl8 रहता, तो ऐसे में फार्मूला होता CsCl2 फार्मूला हो जाता है ना, ऐसा फार्मूला हो जाता, 4 से डिवाइड करते तो फार्मूला चेंज कर जाता है ना। तो इस तरह फार्मूला भी इससे डिसाइड होता है कि एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, इस आधार पे फार्मूला भी क्लियर होता है। अगर मान लीजिए 2 सीजियम 8 क्लोरीन से अटैच्ड होता तो ऐसी स्थिति में फार्मूला होता CsCl4। जहाँ जहाँ ऐसा होता है, जैसे CCl4 फार्मूला होता है ना, तो इसका मतलब एक कार्बन 4 क्लोरीन से अटैच्ड होगा वहाँ, तो 2 कार्बन होगा तो कितने क्लोरीन से हो जाएगा? 8 क्लोरीन से। इस तरह से फार्मूला भी बनता है इससे। तो इस तरह से आप BCC का आप कॉन्सेप्ट देखें। अब देखिए FCC, अब FCC में क्या होता है, तो FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा है, ये ज़्यादा मज़ेदार है, इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो आप रेडी हैं सोचने के लिए? You are ready?
नाउ, तो आप सोचने के लिए रेडी हो जाओ, एक एटम 12 एटम से कैसे अटैच है, और इक्वी डिस्टेंस, और उनके बीच का डिस्टेंस है ए रूट टू बाई टू, ए रूट टू बाई टू। देखिए तो ये कैसे है, तो इस तरह से है। यहाँ पर मान लीजिए एफसीसी में कहाँ कहाँ एटम रहता है भैया, ये पहले बताओ मेरे को, एफसीसी में बोलो कहाँ पे रहता है एटम। एफसीसी में सभी फेसों पे एटम रहता है और साथ में सभी कॉर्नर पे एटम होता है। तो देखो इस एटम का फेस वाले इसी को कंसीडर करते हैं, कंसीडरेशन में यहाँ ये था रेफरेंस, रेफरेंस, और यहाँ रेफरेंस में इसे लेते हैं रेफरेंस। अब इससे चेक करते हैं कि कितने इक्विडिस्टेंट एटम है, तो इससे जितने डिस्टेंस पर ये है इतना ही डिस्टेंस पर ये है, इतना ही डिस्टेंस पर ये है, इतना ही डिस्टेंस पर ये है, देख लिए। तो चार एटम इससे इक्विडिस्टेंस पर, जो चारों कॉर्नर पर हैं इसी फेस के, उन चारों से इसी फेस के, ये एक फेस है आपका, ये एक आपका क्या है फेस है, इस फेस के सेंटर पर आपका एटम है, आपका रेफरेंस एटम कहाँ पे है, इस फेस के सेंटर पर। तो इस फेस के सेंटर पर जो ये एटम है, ये एटम अपने ही कॉर्नर के चार इक्विडिस्टेंट एटम से अटैच्ड है। तो चार तो हुआ, अब और आगे देखिए, इससे जितने डिस्टेंस पर ये हैं उतने ही डिस्टेंस पर आगे वाला जो फेस है, आगे वाला फेस, इसके सेंटर पर जो एटम है इससे भी इसकी दूरी वही है, आगे वाला फेस, ऊपर वाला जो फेस के बीच में एटम है उससे भी इतनी ही दूरी है, नीचे वाले फेस के सेंटर में जो एटम है इससे भी इसकी उतनी ही डिस्टेंस है, और पीछे वाले फेस के, कौन वाले फेस के, पीछे वाले फेस के सेंटर में जो एटम है इससे भी इसकी इतनी ही डिस्टेंस है। तो ऊपर नीचे पीछे और जो है आगे, ये एटम एक ही फेस का, देखिए एक क्यूब में, एक यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं आपको पता है, छः फेस होते हैं। चलिए छः फेस में से एक फेस तो इसका अपना हो गया, चलिए इसका अपना हो गया एक फेस, और बच गए कितने फेस, पांच फेस, पांच में से अपोजिट फेस, ये फेस नहीं लेना है, बस अपोजिट वाला फेस, इसके उल्टा वाला फेस ये हुआ, इसके उल्टा वाला फेस ये हुआ, ये अपोजिट फेस है, अपोजिट फेस है इसका मतलब इस फेस से इस फेस का डिस्टेंस तो ए हो जाएगा ना, एज लेंथ ना हो जाएगा, तो ये तो डिस्टेंस नहीं होगा ना ए बाई रूट टू, लेकिन ये सभी डिस्टेंस ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू होगा। हाँ, और इसी तरह से एक बगल वाले यूनिट सेल जो होगी, बगल में देखिएगा, एक बगल में, बगल में भी तो एक यूनिट सेल है, बगल में भी एक यूनिट सेल होगी, और इस यूनिट सेल से, एक बगल में यूनिट सेल है, बगल में यूनिट सेल आ गई, इस यूनिट सेल के भी अपोजिट फेस छोड़ के बाकी चारों फेस में तो जोड़ना ही होगा ना आपको। देखिए आप ऑलरेडी एड कर चुके हैं, सुन लीजिए, रेफरेंस वाला बीच वाला है, इसके चारों कॉर्नर पर चार, पीछे वाला जो क्यूब है उसके चार फेस पर फोर, फोर एंड फोर एट, अब आगे वाले जो क्यूब है, जो यूनिट सेल है, इसके फेस में देख रहे हैं, इसके ऊपर के फेस में इक्विडिस्टेंस, नीचे के फेस में इक्विडिस्टेंस,
आगे के फेस में इक्वी डिस्टेंस और पीछे के फेस में इक्वी डिस्टेंस, बस ऊपर नीचे आगे पीछे, सामने वाला छोड़ देना है, सामने वाला ए डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है, सामने वाला का डिस्टेंस ए है। तो इस तरह अपने यूनिट सेल में के चार फेस पर चार, चारों कॉर्नर पर चार, और आगे वाले यूनिट सेल के सभी फेसों पर फोर, इस तरह से इसके कितने हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने हो गए 12। ठीक है, ये जो है अब जरा सा और देखिए, ठीक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप 12 जान लिए। इस केस को देखिए, ये जो है एफसीसी का केस है, ये एफसीसी का केस है, बीच में एक जो आइटम है जो आपको दिख रहा होगा, बीच वाला आइटम, ये जो बीच में यहाँ आइटम है, ये आइटम जो है चार एफसीसी में 12 इक्विडिस्टेंट आइटमों से घिरा हुआ है। देखिए ये पहले इसको देखिए, इसके चारों कॉर्नर पर देखिए, ये बीच वाला आइटम आप देख रहे हैं, ठीक, इसके चारों कॉर्नर पर देखिए, इस आइटम से ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये एंड ये, ठीक है। अब अपोजिट वाला फेस का देखिए, अपोजिट वाला, ठीक, इस फेस में यहाँ पर देखिए, ये 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 आइटम, ये आइटम इस फेस में है, ये आइटम नहीं लेंगे केवल अपोजिट फेस में, इस फेस से अपोजिट फेस का आइटम यहाँ का नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, इसका डिस्टेंस ये है बस। इससे देखिएगा कौन कौन फेस ले रहे हैं, इससे जो है आप देखिएगा, इससे मैं ले रहा हूँ आगे का ये फेस और पीछे का ये फेस, ऊपर का ये फेस और नीचे का ये फेस, बस सामने का फेस नहीं लेंगे। तो इस आइटम से आगे का फेस, पीछे का फेस, देखिए पीछे के फेस में भी आइटम है, देख लीजिए, तो आगे का फेस, पीछे का फेस, ऊपर का फेस, नीचे का फेस, ठीक, इसमें इस यूनिट सेल में हो गई। ये आपकी एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल हुई और ये दूसरी यूनिट सेल हुई, दो यूनिट सेल हैं इसमें, देखिए दोनों को दो अलग अलग हाथों से पकड़े हुए हैं, इस हाथ से मैं एक यूनिट सेल पकड़ रहा हूँ और इस हाथ से मैं दूसरी यूनिट सेल पकड़ रहा हूँ, ये दो यूनिट सेल हैं और बीच में, इसी दो यूनिट सेल के बीच में आपका वो आइटम है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसके चारों कॉर्नर पर चार हैं, ठीक है, दिस 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 एंड दिस, और इस फेस में आगे का फेस, पीछे का फेस, ऊपर का फेस, नीचे का फेस, इसी तरह से अब आ जाइए इसमें आगे का फेस, पीछे का फेस, ऊपर का फेस, नीचे का फेस, इस तरह 12 हो गए। अब हम इसको तोड़ के आपको दिखा देते हैं और क्लियर कट, ठीक है, अलग हो गया, ये दूसरा यूनिट सेल था, ये पहला यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल को ऐसे रख लेते हैं, अब देखिए यही सेंटर पर आइटम था, इसी के अराउंड मैं बता रहा था आपको, इसी के अराउंड, तो देखिए ये आइटम से चार कॉर्नर, ये देखिए 1 2 3 4, ये चार आइटम चार कॉर्नर पर हैं, ठीक। इसके बाद इससे ये आपका आगे का फेस था, ये इसी से इधर का फेस देख लीजिए, इस तरफ है, इस तरफ, तो इस आइटम से इस फेस का डिस्टेंस ए बाई रूट टू, फिर इधर का इसके सामने वाला फेस, इधर वाला आइटम, फिर इससे ऊपर वाला आइटम, फिर इससे नीचे वाला आइटम, ठीक है, नीचे वाला आइटम, और इस तरह से इसमें भी ऐसा ही चार था, ठीक है, यही थे। देखिएगा ये आगे के फेस में था, ये पीछे के फेस में था, ये ऊपर के फेस में था, ये नीचे के फेस में था, यही था, आगे के फेस, पीछे के फेस, ऊपर का फेस,
नीचे का फेस, ये गोल गोल एटम है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, गोल गोल जो भी हैं वो एटम हैं। इस तरह इनका अरेंजमेंट था और हुआ, समझ गए। चलिए, तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है और इनका अरेंजमेंट होता है और इसी में हम लोग काम करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं होता इसमें कि सभी जगह ऑक्यूपाइड हों, कभी कभी कह देगा कि सभी फेस ऑक्यूपाइड नहीं हैं, हाफ फेस ऑक्यूपाइड हैं, कभी कभी कहेगा कि टोटल फेस ऑक्यूपाइड हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है देखते हैं हम लोग, आपको निकालना है तो ये टोटल एटम हो जाएंगे कितने, 4, दोनों जोड़ के 1 + 3, कॉर्नर का सब मिला के 1 और ये 3, 4 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द क्यूब, 8 हो कॉर्नर पर, ठीक, 8 कॉर्नर पर और फेस कितना, 6, ये टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर आपको 14 हो जाएगा। एटम्स का टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, टोटल एटमों का नंबर 14। फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का अब फार्मूला हम लोगों को बताना है, तो कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, तो ए का नंबर है 1 और बी का नंबर है 3, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू ए बी थ्री, ए बी थ्री, ठीक है, आप समझ गए, और नहीं तो थोड़ा सा फिगर बना के देखिए। ये देखिए कॉर्नर पर कितने आइटम हैं, 8, यही टोटल आइटम में हम काउंट कर लिए थे, टोटल आइटम में कॉर्नर के 8 और ये फेस कितने, 1, नीचे का फेस, ऊपर का फेस, पीछे का फेस, आगे का फेस, ये फेस, सभी फेस काउंट कर लिए तो 6, तो 8 कॉर्नर के एटम हो गए और 6 जो है एटम कहाँ के हो गए, फेस के, तो टोटल एटम्स कितने हो गए, ये ए का आंसर हुआ, ये बी का आंसर हुआ, ये सी का आंसर हुआ, ठीक है। तो टोटल एटम्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूब, क्यूब में टोटल एटम्स हो गए फेस के 6 और कॉर्नर के 8, तो 14 हो गए। अब ये कॉर्नर वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉर्नर वाले जेड इफेक्टिव फॉर किसके लिए, ए के लिए, ए कॉर्नर पर हैं तो 8 कॉर्नर पर हैं और एक कॉर्नर वाला 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, तो 8 × 1/8 इज इक्वल टू कितना, 1। अब जेड इफेक्टिव बी के लिए, तो बी के लिए 6 फेस पर है और एक फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है, एक फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ, तो 6 × 1/2 इज इक्वल टू कितना, 3, तो ए हुआ 1 और बी हुआ 3। इस तरह इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी 3। तो फाइनली फार्मूला हम लोग निकाल लिए, इसका क्या फार्मूला निकाल लिए, ए बी 3, तो ये फाइनल आपका फार्मूला हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन सब बनते हैं, आगे हम लोग और क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। ओके, सी यू।